नमस्कार, कुकिंग विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अष्टमी और नवमी में बनने वाला माता रानी का प्रसाद, चना, हलवा और पूड़ी। सबसे पहले हम चने बनाएंगे। ये मैंने 1 कप चने ले लिए थे, जिसको मैंने धो के रात में भिगो दिए थे। अब ये हमारे अच्छे से फूल गए हैं, अब हम इनको उबालेंगे। तो चलिए अब हम इनको उबाल लेते हैं। एक कुकर ले लीजिए, गैस ऑन कर लीजिए। इसमें हम ये चने डाल देते हैं। अब इसमें हम पानी डाल दें। पानी उतना डाल दीजिए जिसमें अच्छे से चने भीग जाएं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। इसको ढक्कन बंद कर दीजिए। 4 से 5 सीटी तक इसको हम अच्छे से उबाल लेते हैं। दबा के देख लीजिए, ये अच्छे से उबल गए हैं। चलिए अब हम चने का मसाला तैयार करते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, गैस ऑन कर लीजिए। इसमें ये तेल डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, अब आप इसमें हींग डाल देते हैं थोड़ी सी। आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, ये हरी मिर्च लंबी कटी हुई डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने नमक पहले डाला है तो मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, आधा चम्मच। आधा चम्मच अमचूर पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला। अब इनको सबको अच्छे से मिला लीजिए। ये मैंने थोड़ा सा चना मसाला लिया है, उसको भी डाल देते हैं। अब ये हम चने डाल देते हैं। इनको अच्छे से मिला लीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे मसाला अच्छे से चनों में चिपक जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और गैस धीमे कर देते हैं। अब हम चनों को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मसाला आपस में चिपक गया है चनों के ऊपर। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिला दीजिए। अब ये हमारे चने बनके तैयार हैं। चलिए अब हम हलवा बनाते हैं। एक पैन ले लेते हैं, गैस ऑन कर लीजिए। इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल लेते हैं। ये वाला चम्मच मैंने लिया है। सबसे पहले हम अपनी सारी मेवा को थोड़ा सा भून लेते हैं। सब चीज एक साथ डाल दीजिए।
गरी को नहीं भूनेंगे, अब हम इसको निकाल लेते हैं। गैस बंद कर दीजिए वरना ये जल जाएगी। अब इसी में हम सूजी डाल देंगे। गैस को थोड़ा धीमे ही रखिएगा। सूजी को हमको गोल्डन होने तक भून लेना है। अब ये देखिए हमारी सूजी हल्के हल्के गोल्डन होने लगी है। अब हम इसमें ये अपने भुने हुए मेवा डाल देते हैं। थोड़े से मेवा मैंने बचा लिए, बाकी हम इसमें डाल देते हैं। ये मैं गरीबी है वो भी डाल देते हैं। अब ये सूजी हमारी भुन गई है, अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालिए, जितना आपको मीठा पसंद हो उतनी चीनी डालिए। वैसे तो हलवा मीठा ही अच्छा लगता है, पर पसंद अपनी अपनी होती है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी का हमेशा ध्यान रखिए, जितनी सूजी होती है उससे डबल पानी डाला जाता है। अब हम इसको ढक देते हैं। अब ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार है। अब हम पूड़ियाँ बनाते हैं। ये 2 कप मैंने आटा लिया है, दो चम्मच इसमें देसी घी डाल देते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा तैयार कर लेते हैं। अब ये आटा हमारा लग गया है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब एक कढ़ाई ले लीजिए, गैस ऑन कर लेते हैं। इसमें हम तेल डाल देते हैं। छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। इस तरीके से हम सारी पूड़ियों को बेल लेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम पूड़ियों को तल लेते हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को निकाल देते हैं। अब ये हमारी माता रानी का भोग बनके तैयार है। यह हलवा है, चना है और ये मैंने 9 पूड़ियाँ बनाई हैं अपनी 9 दुर्गा माँ के लिए। अब आप इसको बनाइए और माता रानी का भोग लगाइए। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं कि हमारी ये प्रसाद माता रानी का कैसा लगा।